कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में ढील देने की बात भी कही थी। इसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति काफी गंभीर है, इसे देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। एक हफ्ते बाद दिल्ली सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी, जिसके बाद संभवतः कुछ क्षेत्रों में छूट दे दी जाए। प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में देश की 1% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ देश के 12% संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल 1893 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 26 लोग आईसीयू में हैं और 6 लोग वेंटिलेटर पर हैं। साथ ही 46 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। कल दिल्ली में 786 लोगों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 186 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा राज्य में स्थापित फूड सेंटर्स में से एक काम करने वाला एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल यहां से जुड़े सभी लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में फिलहाल सभी 11 जिलों के कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 77 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, लेकिन फिर भी जहां लॉकडाउन है वहां लोग नहीं मान रहे हैं। इसी के साथ ही जहांगीरपुरी में एक परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ढील देने की बात को मना किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट APNS।